टू आवर चैनल। तो आज ईद की छुट्टी है हम सबके, पापा के भी और मेरे भी, मतलब मेरे तो ऑनलाइन है। तो आज हम लोग पिकनिक करने जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हम कर रही हैं, ये देखिए अचार है, यहाँ पे सब्जी है आलू की, और यहाँ पे पता नहीं इसमें क्या डाल रही है। यहाँ पे मम्मी ने ये बैग है, नमकीन और एक्स्ट्रा जो भी थिंग्स है वो इसमें है। तो मम्मा भी अचार ले रही हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत। तो जोधपुर में इतने दिन से बिल्कुल मौसम गर्मी वाला था, लेकिन अभी मौसम बहुत सुहाना हो गया है। और आज ही हमने पिकनिक प्लान बनाया है, जगह आपको मम्मा बता देंगी जब हम पहुँचेंगे, एज हमें भी नहीं पता कहाँ है। हमारे साथ बस एक फैमिली है, राइट? शायद ये मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए हैं। नो सोहम, ये देखिए ये सोहम ने क्या कर रहा है। सोहम आपका मास, मेरा तो मास ही रहा। और हम तो पिकनिक में जाने, हम फाइव से हेलो तो बोल दे। हेलो हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ जा रहे हैं आज, ये देखिए आज बहुत अच्छा मौसम है। पापा अपन कहाँ जा रहे हैं? तो हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं सुरपुरा डैम। तो ये एकदम नई जगह है अभी जोधपुर में पिकनिक के लिए। तो चलिए जगह को आप और हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आप और हम मिलकर घूम के आते हैं थोड़ा। हम तैयार हुए हैं, ये मम्मी का आउटफिट है आज, और ये सोहम का आउटफिट है, ये मेरा आउटफिट है, और ये मेरा। पहले हम जाएंगे भाभी सा के घर, और ये प्लान उन्होंने बनाया घूमने का। तो बस हाँ, तो ये है भाभी सा, ये उनका बेटा अंशु, और ये तनुजी। तो अब हम मंडोर पहुंच गए हैं, और यहाँ से सुरपुरा डैम सिर्फ 7 किलोमीटर है। यहाँ पर हम इस छोटी सी दुकान पर कचौरी और यहाँ की चूटी की मिठाई बहुत फेमस है, वही खरीदने के लिए रुक गए थे, और वही खरीद के अब हम जाएंगे सुरपुरा डैम। अगर आप जोधपुर रेलवे स्टेशन से आते हैं तो 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है सुरपुरा डैम। पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सुरपुरा डैम सुरपुरा गांव में है, और आंगनवा गांव के पास में नागौर बाईपास रोड पे। तो चलिए जगह को घूमते हैं, और ये जगह अभी जोधपुर वासियों के लिए फैमिली पिकनिक स्पॉट बनती जा रही है। फैमिली पिकनिक के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, तो आप यहाँ जरूर विजिट करना। तो हमें वहाँ जाना है। तो हम सब यहाँ पर अच्छे से पैदल घूम लिए। अगर आप यहाँ आते हो घूमने के लिए, तो आपको यहाँ के व्यू का मज़ा पैदल ही लेना होगा। आप बोटिंग के मज़े ले सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई भी स्टॉल नहीं लगे, इसलिए अगर आप पिकनिक के लिए आते हैं तो अपने साथ खाना लेकर आए तो और भी मज़ा आएगा, जैसे हम लाए हैं। तो यहाँ पर हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमने बोट बुक कर ली, हमने पैंडल बोट ली है। तो पैंडल बोट है पर पर्सन 100 रुपीज़, और स्पीड बोट है पर पर्सन 200 रुपीज़। तो ये आपकी चॉइस पे कि आप कौन सी बोट बुक कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तो इसके लिए रेडी हो रहे हैं। तो हम बोटिंग को एंजॉय करते हैं, और आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए।
बोलो। मजा आ रहा है चलाने में? इतना अच्छा व्यू है तो रील्स बनाना तो बनता है। तो यहाँ पर गेस्ट करिए मैं कौन सी रील्स बना रही हूँ, नहीं पता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, तो आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत घूम लिए तो अब लग रही है भूख, बच्चों को भी और हमें भी। तो बस अब गाड़ी में जाकर हमने उस शॉप से जो मिठाई कचौरी खरीदी थी तो हम कचौरी का आनंद लेंगे, छोटी मोटी भूख को थोड़ा शांत करेंगे और मंदिर जाएंगे, मंडलनाथ जी मंदिर। वहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम कोई भी अच्छी सी जगह देख कर लंच करेंगे। Yes guys, तो अभी हम आए हैं मंडलनाथ जी मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर, इसी खुले आसमान के नीचे बैठ के हमने किया था लंच, बट वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई तो उसके लिए सॉरी। वो मिठाई भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में वो मिठाई आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। लेकिन अगर आप मंडोर से आ रहे हैं तो उस मिठाई को परचेज़ करके खाना जरूर, बहुत ही फेमस मिठाई है चूटी की मिठाई। तो ओके, तो अब हमने लंच कर दिया तो अब हम जा रहे हैं घर। बहुत घूम लिए, दो जगह घूमे, भाई सब अविशा को घर ड्रॉप किया और अब हम जा रहे हैं हमारे घर। यस, मजा आया? नहीं मजा नहीं आया। आया कितना? तुमको कितना मजा आया? बहुत मजा आया। आप अगर फैमिली पिकनिक के बारे में सोच रहे थे जिसको विजिट कर सकती है, ओके फ्रेंड यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।